नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ IPL 2020 के 14 मैच के बारे में, जो चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में होने जा रहा है। दोस्तों हम बात करते हैं इस मैच की प्रिडिक्शन के बारे में। तो दोस्तों ये दोनों टीमें पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है अभी, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग। दोनों ने तीन तीन मैच खेले हैं और एक एक मैच जीता है, जबकि दो दो मैच दोनों ने हारे हैं। चेन्नई सुपर किंग एक मैच जीतकर दो मैच लगातार हार रही है और सनराइजर्स हैदराबाद दो मैच हारकर एक मैच जीत चुकी है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब चेन्नई सुपर किंग के कप्तान के बारे में और चेन्नई सुपर किंग टीम के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहले आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको अर्निंग से रिलेटेड, रिचार्ज पर, कैशबैक से रिलेटेड न्यूज जाननी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पर सब कुछ बता देता हूँ, जो भी अर्निंग से रिलेटेड या कैशबैक कोई ऑफर आता है जो। तो दोस्तों बात करें चेन्नई सुपर किंग के कप्तान के बारे में, तो MS धोनी इनके कप्तान हैं और इनके स्टार प्लेयर हैं मुरली विजय, शेन वाटसन, फॉफ डु प्लेसी, जो इनके स्टार प्लेयर बल्लेबाज है। और इनके पास बल्लेबाज के तौर पर रविंद्र जडेजा और सैम करन ऑलराउंडर भी है, जो बॉलिंग भी कर लेते हैं। साथ में दोस्तों दीपक चार और चावला जैसे इनके पास बॉलर है। टीम बहुत मजबूत है। अब दोस्तों हम आपसे बात करें सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। तो दोस्तों इनके वर्तमान कैप्टन डेविड वार्नर है और इनके स्टार प्लेयर है ब्रेस्टिटो, मनीष पांडे, रिधिमान शाह, केन विलियमसन जैसे इनके पास स्टार प्लेयर है, जो बहुत ही अच्छी बैटिंग ऑर्डर को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों इनके पास मोहम्मद नबी और अभिषेक शर्मा जैसे ऑलराउंडर भी है और राशिद खान और भुवनेश्वर कुमार जैसे इनके पास तेज गेंदबाज है और राशिद खान एक स्पिनर गेंदबाज है, जो पिच के लिए मददगार होंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं आपसे मैच के बारे में, मैच के स्टेडियम के बारे में। तो दोस्तों यह मैच दुबई में खेला जाएगा, दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में। यहाँ पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला होगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा होने की वजह से बॉल फिसलती है और प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों दोनों टीम टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करना ही चाहेगी, क्योंकि बॉलिंग करने के बाद में फिर बैटिंग करना आसान होता है, लेकिन बाद में बॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों इस मैच में प्रिडिक्शन यह कहती है कि टीम कोई सी भी जीत सकती है, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन जो पर्सनल है वो ये कहती है कि टीम चेन्नई सुपर किंग